बता रहे हैं। आज के लेक्चर में लेवल वन के क्वेश्चन विद व्हाट जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस लेक्चर में आप व्हाट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट क्या है और उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 7 ऑफ बेसिक ग्रामर ऑफ लेवल वन। सो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ व्हाट। टॉपिक नंबर 5 पे टॉपिक इज क्वेश्चंस विद व्हाट, व्हाट के साथ हम कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज़ WH एन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स और आइटम्स। ये हम WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड इसको कहते हैं और ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दिस फॉर आस्क अबाउट थिंग्स और आइटम्स, चीज़ों और कुछ आइटम्स के बारे में पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके नंबर एग्जाम्पल व्हाट इज़ दिस, अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ दिस सो क्वेश्चन व्हाट के साथ बन गया। ठीक है, दिस इज़ एन इंग्लिश वोकेबलरी, ये एक इंग्लिश वोकेबलरी है। ठीक है, तो इस दौरान हमने थिंग्स के बारे में पूछा कि वर्ड का इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ दैट, दिस और दैट के साथ हम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन द थिंग इज़ नियर देन वी यूज़ दिस, व्हेन द थिंग आर फार देन वी यूज़ दैट। ओके सो दैट इज़ अ व्हाई वी कैन से। नाउ इन इंग्लिश ग्रामर द वर्ड वर्ड हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस, इसके कुछ फंक्शंस हैं यानी कुछ यूजेजेस है वर्ड के कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स एंड आइटम्स, पहले जिस तरह मैंने बताया कि आस्क अबाउट थिंग्स एंड आइटम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द डेफिनेशन मैंने आपको बताया। नाउ व्हाट डू यू वांट टू बाय, व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप क्या ख़रीदना चाहेंगे। ठीक है, आई वांट टू बाय अ मोबाइल। ठीक है, सो वी आस्क अबाउट द थिंग दैट वी वांट टू बाय फॉर आवर सेल्फ। नाउ व्हाट इज़ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब वर्ड जो है ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन के फंक्शन भी कंसिडर होता है। व्हाट इज़ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स एंड आइटम्स, थिंग्स और आइटम्स के लिए हम इस्तेमाल करते क्योंकि ये प्रोनाउन है। अच्छा, ये प्रोनाउन किस तरह है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हेन द वर्ड व्हाट इज़ फॉलोड बाई वर्ब, अगर वर्ड के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाए इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो है क्योंकि हम आस्किंग किसी चीज़ पर्सन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर वर्ड के बाद वर्ब आ जाए, इफ़ द वर्ब कम्स आफ्टर द वर्ड देन इट शुड बी द फंक्शन ऑफ अ प्रोनाउन, फिर वर्ड का जो फंक्शन होगा वो प्रोनाउन का फंक्शन होगा। ओके, व्हाट इज़ इन योर पॉकेट, आपकी जेब में क्या है। ओके सो वट एवर इट इज़ इन योर पॉकेट देन यू कैन डिस्क्राइब। ओके नाउ सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस तरीके से है, सिंपल दोबारा मैं बताने पा रहा हूँ। अगर वर्ड के बाद वर्ब आ जाए जिस तरह इस फार्मूले के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर वर्ड के बाद वर्ब आ जाए तो इस वर्ड का फंक्शन क्या होगा, वो एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फंक्शन होगा, प्रोनाउन फंक्शन होगा। ठीक है, ना व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, वर्ड जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी इसको हम कह सकते हैं और प्री डिटरमाइनर्स भी इसको हम कह सकते हैं। यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स और आइटम्स, इसी थिंग्स और आइटम्स के बारे में हम पूछते हैं लेकिन ये एज अ एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। और एज अ एडजेक्टिव फंक्शन ये कैसे परफॉर्म करता है, लेट्स सी। व्हेन द वर्ड वर्ड इज फॉलोड बाय नाउन, अगर हम इस वर्ड के बाद नाउन लिखे तो फिर ये वर्ड जो है एज अ एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो फिर उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके रिमेंबर अगेन, अगर वर्ड के बाद नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव होगा, ये वर्ड जो है यहाँ एडजेक्टिव होगा। अगर वर्ड के बाद वर्ब आ जाए तो फिर ये वर्ड जो है वहाँ प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी इसको हम कह सकते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हम कह सकते हैं। इन एग्जाम्पल व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। ओके तो इसका मतलब है कि वर्ड के बाद जो है कलर आया हुआ है एंड कलर अकॉर्डिंग टू ग्रामर इज़ अ नाउन। ओके सो वर्ड के बाद जो भी नाउन आ जाए तो वर्ड का जो फंक्शन होगा वो एज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। व्हाट इज़ यूज टू आस्क अबाउट समवन्स ऑक्यूपेशन, ये हम किसी की पेशा के बारे में पूछने, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका एक फंक्शन ये है। व्हाट डज़ योर फादर डू, आपका अबू या फादर क्या करता है, उसका पेशा क्या है, व्हाट इज़ हिज ऑक्यूपेशन, सो देन वी यूज़ व्हाट फॉर दैट। ओके तो वर्ड जो हम ऑक्यूपेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नॉट ओनली थिंग्स और आइटम्स के लिए, तो इसका इसके कुछ फंक्शन है जो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम, हम टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, टाइम पूछने के लिए, अगर किसी से हमने टाइम पूछना हो तो इसके लिए भी हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम है। ओके
तो इस तरह हम फिर जवाब देते हैं जो भी डिपेंड ऑन टाइम्स दैट व्हाट इज़ टाइम, तो देन उसके बारे में फिर हम आंसर देते हैं, ठीक है। सो फिर वर्ड जो है हम टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर जो जो भी जितने भी फंक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर आप प्रैक्टिस करें और आप इसको यूज़ करें अपनी स्पीकिंग में कि हम वर्ड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट समवन्स चॉइस, वर्ड जो है हम चॉइस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। What do you like to eat in breakfast? So what do you like जो है ये हम choice के बारे में पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, कौन सा choice है मेरा, तो वो choice मैं select करूँगा। तो word हम choice के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसका और function क्या है, What is used is an exclamatory adjective. Word जो है as exclamatory adjective के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Exclamatory adjective का मतलब क्या है कि जब भी कोई immediately कोई sudden emotions और feeling आ जाए तो वो exclamatory adjective, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को elaborate करें और describe करें सही तरीके से in the form of expression, in the form of feelings and emotions, then it become an adjective, okay? So what a nice day. तो इसके लिए इसका मतलब है वर्ड जो है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस यहाँ हमने डे के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया हुआ है। सो रिमेंबर वर्ड को हम इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ यूज एज अ मार्क ऑफ अ नाउन क्लास, एज अ नाउन क्लास के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन क्लास क्या है, जो फंक्शन एज अ नाउन परफॉर्म करता है, ठीक है, तो उसको हम नाउन क्लास कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट ही सेज, ठीक है। अब यहाँ वर्ड जो है नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि ये नाउन क्लास है। व्हाट ही सेज जो है ये नाउन क्लास है, रिमेंबर। तो जिस तरह मैंने बताया कि वर्ड को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी यूजेजेस कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन वीडियोज़ से आप फ़ायदा ले लें और विद द टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखा करें कि हम वर्ड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा नोट्स है, इन द अबव स्टेटमेंट व्हाट इज़ अ मार्कर ऑफ अ क्लास, वर्ड जो है मार्कर ऑफ अ क्लास है, यानी आइडेंटिफिकेशन है, एक मार्कर है। इन मार्कर इज़ अ वर्ड, और मार्कर जो है वो एक वर्ड है विच इंट्रोड्यूस नाउन क्लास, जो नाउन क्लास को रिप्रेजेंट करता है, नाउन क्लास को इंट्रोड्यूस करता है एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ये हम आगे एडवांस वीडियोज़ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि नाउन क्लास क्या है, एडवर्ब क्लास क्या है और एडजेक्टिव क्लास क्या है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं और इससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। सो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ, आप इसको सीक्वेंस तरीके से देखें, आप रेंडमली ना देखें, तो आपका लेवल जो है इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।